अच्छा, अब तक हमने स्वयं के बारे में जाना, परमात्मा के बारे में जाना, सृष्टि चक्र के बारे में जाना, कर्मों की गति के बारे में जाना, भारत के इतिहास को भी जाना और सारे धर्मों के आने को भी जाना। कृष्ण के 84 जन्मों की कहानी को भी हमने जाना। उसके अंदर हमने बहुत संक्षिप्त में चर्चा की थी कि श्री कृष्ण कैसे बने। आज हमने ये जानना है कि श्री कृष्ण जो सर्वोच्च देवता है, वो सर्वोच्च कैसे बन गया, उसने क्या किया, कब किया जो वो सर्वोच्च बना। दूसरा, हमारे मन में कुछ भ्रांतियां हैं, हमने कृष्ण को देहधारी भी समझ रखा है, श्री कृष्ण को द्वापर में आने वाला भी समझ रखा है, श्री कृष्ण के जन्म के बारे में भी हमारी कुछ भ्रांतियां, उन भ्रांतियों को भी हम यहाँ स्पष्ट करेंगे। फिर उनको इतना उच्च किसने बनाया और कब बनाया, इन सब प्रश्नों को आज हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। आज हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय का 10वां चित्र ले रहे हैं। इस 10वें चित्र में हमें श्री कृष्ण के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया गया है। श्री कृष्ण को हम आज तक समझते आए कि श्री कृष्ण कहाँ जन्म लिया था, वासुदेव के घर जन्म लिया था, है नहीं? और पालन पोषण कहाँ हुआ था, यशोदा के पास, गोकुल में, क्योंकि कंस उसको मार डालता, इसलिए ताकि उसे बचाया जा सके, इसलिए कृष्ण को कहाँ ले जाया गया था, गोकुल में ले गया गया और नंद यशोदा ने उनको पाला, वहां जन्म। दूसरा, हम जानते हैं कि वे गुरु संदीपनी के पास शिक्षा लेने के लिए भी गए, ठीक है क्या? और उसके बाद हम ये जानते हैं कि वे नंद यशोदा उनको कैसे पालना देते हैं। अब हमारे सामने प्रश्न ये उठता है कि परमात्मा जो सारे संसार की आत्माओं का पिता है, सर्वधर्म मान्य है, पहला प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है कि कृष्ण को तो सारे परमात्मा नहीं मानते, सभी धर्म तो परमात्मा नहीं मानते, कुछ ही लोग मानते हैं, कहते तो सारे हैं कि भगवान एक है, तो सबका भगवान अलग अलग हो गया। अब कृष्ण क्या भगवान नहीं है, इस अंतर को हमें बहुत अच्छी तरह समझना। हम ये चैप्टर करके आ चुके हैं कि परमात्मा एक है जिसे सारे संसार के धर्म परमात्मा मानते। अब कृष्ण उस परमात्मा की लाइन में नहीं आता, क्यों नहीं आता है? पहला कारण कि कृष्ण का जन्म हुआ, परमात्मा अजन्मा है। गीता के अंदर भी ये बात लिखी गई, 7वें अध्याय के 21वें श्लोक के अंदर, सॉरी 23वें श्लोक के अंदर, मैं अजन्मा योग माया को अधीन कर सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता हूं। इसका मतलब कुछ के सामने वो प्रत्यक्ष होते हैं, सबके सामने नहीं होते, कुछ के सामने तो होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, दूसरी लाइन में लिखा, परंतु ये अज्ञानी मनुष्य मुझे भी मनुष्य की भांति जन्मने या मरने वाला समझने के कारण, है नहीं, क्या समझते हैं, मुझे भी मनुष्य के भांति
जन्मने और मरने वाला समझते। कौन से मनुष्य हैं ये, उसके लिए भी एक शब्द बड़ा अजीब उसके अंदर जोड़ा गया है, अज्ञानी मनुष्य। परंतु ये अज्ञानी मनुष्य मुझे भी मनुष्य की भांति जन्मने और मरने वाला समझते। तो इससे स्पष्ट होता है कि कृष्ण ने ये लाइनें नहीं कही, ये लाइनें कृष्ण कहता है तो फिर वो कृष्ण जन्मने मरने वाला नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण जन्म क्योंकि अजन्मा है, अभोक्ता है, परमात्मा तो अभोक्ता है, असोचता है। कृष्ण तो शरीर को जल लेता है और शरीर को भोगता है। कृष्ण पुनर्जन्म में आता है क्योंकि कृष्ण को भी मृत्यु हुआ, गांधारी ने उसको श्राप दिया, उसका मृत्यु हुआ। और जब कृष्ण का मृत्यु हो गया तो उसका जन्म भी जरूर होगा ना, मृत्यु हुआ है तो उसका जन्म भी होगा। तो राम पहला था जन्म उसका राम का, और अगला जन्म क्या हो गया उसका, कृष्ण का, है ना। इस प्रकार से कृष्ण भी जन्म मरण के चक्कर में आता है, कभी राम के रूप में तो कभी किस रूप में, कभी किस रूप में, ये बात स्वीकार किया गया, है ना। तो बहुरूपिया समझ लिया गया। फिर कृष्ण भोक्ता होने के साथ साथ कृष्ण के चरित्र में भी दोष लगा दिए। कृष्ण को कहा कि उसने गोपियों के चीर हरण किए। अब वास्तव में परमात्मा आकर समझाते कि कृष्ण गोपियों के चीर हरण नहीं करते, क्योंकि वो तो फिर चरित्रहीन हो गया। दूसरे धर्म वालों को लगा कि ये कैसा होगा, जो स्वयं का किसी के वस्त्र को उठाता हो वो कैसे ईश्वर हो सकता है, है नहीं। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि जिसका जन्म हुआ वो परमात्मा नहीं हो सकता, और जिसने जाकर शिक्षा ली हो किसी से वो फिर ज्ञान का सागर कैसे। जिसे किसी और से ज्ञान लेना पड़ा वो ज्ञान का सागर तो ना हुआ ना। परमात्मा तो ज्ञान का सागर है। तो श्री कृष्ण का जीवन, कृष्ण की लीलाएं जो सर्वविदित हैं, एक एक लीला को यदि हम देखें तो वे उसे भगवान बनने से रोक, वो प्रमाणित करती है कि वो भगवान नहीं, वो मनुष्य की भांति पार्ट बजाने वाला एक एक्टर। और परमात्मा सर्वोच्च है, वो कभी भी मनुष्य की भांति एक्ट नहीं करता। फिर कृष्ण ने कृष्ण के चरित्र को मनुष्य की भांति धोखा देने वाला, चालाकी करने वाला, चतुराई करने वाला, परमात्मा ऐसे काम नहीं। ये चरित्र लिखने वालों ने कृष्ण के करैक्टर का बेड़ा गर्क कर दिया। वरना कृष्ण तो सतयुग का प्रथम राजकुमार। उन्होंने कृष्ण को कहां दिखा दिया, द्वापुर में, जबकि कृष्ण आते हैं सतयुग स्वर्ग। बाद में उनका नाम नारायण रखा जाता है ना, ये हमने किया था कि कृष्ण जो है कब आते हैं, सतयुग में आते हैं। कृष्ण कलयुग द्वापुर में तो नहीं आएगा ना, कृष्ण का जन्म सतयुग में होता है, स्वर्ग में होता है, और वे द्वापुर या कलयुग में क्यों आएंगे। द्वापुर में तो कलाएं भी कम है, द्वापुर में कलाएं भी कम है, तो वहां पर कृष्ण आकर आएंगे कैसे। कृष्ण आता है सतयुग के,
वो सतयुग का प्रथम राजकुमार है। 16 कला संपूर्ण है, 100% प्योर है, तो सतयुग में आएगा। परंतु वो द्वापुर में ले आए, क्यों द्वापुर में ले आए? वास्तव में कृष्ण कोई द्वापुर में नहीं आया, वास्तव में जो ये भागवत है, महाभारत है, ये दोनों द्वापुर में लिखे गए। और रामायण भी इसी समय लिखी गई। रामायण, भागवत और महाभारत, ये दोनों किताबें एक ही टाइम पर लिखी गई। इनकी भाषा भी एक है, तो हमें समझना है कि वो इसको कहां ले आए, द्वापुर। और श्री कृष्ण जबकि सूर्यवंशी है, इसको चंद्रवंशी बना दिया। राम चंद्रवंशी है, उसको सूर्यवंशी बना दिया। श्री राम के साथ चंद्र लगता है, श्री कृष्ण के साथ चंद्र नहीं लगता। उन्होंने राम को सूर्यवंशी दिखा दिया, पहले दिखा दिया। एक्चुअल में परमात्मा कहते सूर्य कभी छोटा नहीं होता, कभी कम नहीं होता, तो ज्ञान सूर्य मैं, मेरा रूप कभी कम नहीं होता। चंद्रमा के रूप साइज में अंतर आएगा, उसमें कमी होती है, परंतु मेरे में कोई कमी नहीं है। और मैं आप अपने समान बनाता हूं श्री कृष्ण की आत्मा। परमात्मा आकर श्री कृष्ण की आत्मा को अपने समान बनाते हैं, जैसे वो स्वयं है वैसे ही उसे बनाते हैं। तो हमें समझ में आया कि श्री कृष्ण वास्तव में परमपिता परमात्मा कहते देवता है, दिव्य गुणों वाला है, उसे दिव्य गुणों वाला मैं आकर बनाता हूं। उसका चरित्र ऐसा नहीं होता जैसा चरित्र मनुष्यों ने उनका बना दिया। मैं आकर के समझाता हूं कि श्री कृष्ण का चरित्र सर्वोच्च होता है। श्री कृष्ण के चरित्र में जरा भी कोई भी दाग नहीं, कोई कमी नहीं होती। चरित्रवान होता है, उनके जीवन में किसी भी प्रकार का दोष नहीं होता, वो मैं आकर बनाता हूं। परंतु दुनिया वालों ने कृष्ण के जीवन में दोष ही दोष लगा दिए। उनको दिखाया कि श्री कृष्ण युद्ध करवाता है, श्री कृष्ण क्या कराता है, युद्ध कराता है, हिंसक युद्ध। कौन कराता है, श्री कृष्ण। अर्जुन को कहता है कि तुम युद्ध करो, तुम युद्ध करो। अब सोचने वाली बात है कि गीता का ज्ञान भी कृष्ण ने कहां दिया, युद्ध के मैदान में। आज जरा विचार करके देखो कि कृष्ण ने अर्जुन को ये गीता का ज्ञान क्यों दिया, क्यों दिया गीता का ज्ञान? उसने युद्ध करने से इनकार कर दिया। अर्जुन ने युद्ध करने से क्यों इनकार किया? कृष्ण ने, अर्जुन ने कृष्ण को कहा कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। सेनाएं सब युद्ध के मैदान में पहुंच गई, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, मैं देखूं कौन युद्ध में आए, कौन कौन महावीर जो है युद्ध के लिए आए। ठीक है भाई, देखो, क्योंकि तुम्हारा अधिकार है देखने का। ठीक है कि नहीं? अब दोनों सेनाओं के बीच में जाकर अर्जुन, कृष्ण ने उनका रथ खड़ा किया। अब जब रथ दोनों सेनाओं के बीच में पहुंच गया, दोनों तरफ देखा, इधर भी मेरे परिवार के लोग, इधर भी मेरे ही परिवार के लोग, जिनके लिए मैंने राज्य करना है वही मर जाएंगे, किसके लिए मैं राज्य करूं?
एक कारण बताया। दूसरा कारण कहा कि इधर भी मेरी सेना है, इधर भी मेरी सेना है, मेरी तो प्रजा है, कुछ इधर खड़ी है तो कुछ इधर खड़ी है, सारी मेरी जो प्रजा है उसमें 18 अक्षौणी सेना चाहे इधर खड़ी है चाहे इधर खड़ी है तो मेरी ही सेना, और ये सारे मर जाएंगे। और ये सारे मर गए, 18 अक्षौणी वीर पुरुष योद्धा मर गए, तो समाज में कौन बचेगा? 18 अक्षौणी विधवाएं कौन बचेंगे? 18 अक्षौणी विधवाएं और उनके छोटे छोटे बच्चे या बूढ़े, तो बाकी तो सेना में आ गए लड़ने के लिए, मरने के लिए। अब इन विधवाओं की प्रजा पर मैं राज्य करूंगा, ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए। इससे अच्छा है कि मैं भीख मांग के रहूं, ये गीता में भीख मांग के रहूंगा, परंतु मैं युद्ध नहीं करूंगा। और उसने अपना धनुष रख लिया। अब ये सोच के बताओ कि यदि आप अर्जुन की जगह पर होते तो क्या आप युद्ध करते कि यही कहते? अर्जुन के साथ सहमत है नहीं? अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता, इतनी सेना को नहीं मारना चाहता। इसका मतलब ये कृष्ण का ही खेल है, ये कृष्ण ही युद्ध कराना चाहता था, और युद्ध कराने के लिए उसने कृष्ण को उकसाया। तो कौन है जो युद्ध करने के लिए उकसाया? कसूरवार वही होता है ना, जो किसी का मर्डर करने के लिए किसी को फोर्स करे, किसी को मोटिवेट करे। इसका मतलब ये विनाश कराने का जिम्मेवार कृष्ण था। युद्ध का रिस्पॉन्सिबल कौन हो गया? कृष्ण हो गया, अर्जुन तो नहीं था। भगवान आए, गीता का ज्ञान सुनाए, वो एक को सुनाएंगे कि सबको सुनाएंगे? सबको सुनाएंगे, परंतु अर्जुन को ही सुनाएंगे, बाकी सारी सेना खड़ी रही। अब उसके बाद कहानियां कुछ भी गढ़ दे, समझने वाली बात है। अब उसके बाद क्या होता है कि युद्ध के लिए कृष्ण तैयार हो गया है, युद्ध हुआ, सारे मारे गए, 5 पांडव बचे। उन्होंने भी कहा कि हम हिमालय पर्वत पर जा रहे हैं तपस्या, क्यों? राज्य कौन संभालेगा? हमने बहुत बड़ा पाप किया है, हम प्रायश्चित करने के लिए जा रहे हैं। अरे भाई हमारा क्या होगा? प्रजा आगे हाथ जोड़ कर खड़ी हो गई, हम कहाँ जाएं? हमारे तो कोई राजा ही नहीं रहा। उसके बाद कहा कि वो अभिमन्यु का बेटा है ना, वो आपका राजा। अरे भाई वो तो गर्भ में है, लड़की होगा लड़का होगा पता नहीं, चलो लड़का हो भी गया। अब हो गया तो को पैदा होते थोड़ा राजगद्दी पर बैठ जाएगा। वंडरफुल। आप सोच के देखिए कि वो तो चले गए, उनसे पूछा जाए कि भी आपको तो भगवान ने युद्ध करने के लिए कहा था, फिर तुमने कौन सा पाप किया? इसमें तुम्हें तो कोई पाप लगना नहीं चाहिए, भगवान कोई गलत थोड़ा बताएंगे। नहीं, हमने अपने परिवार के लोगों को मारा है, गुरुजन का वध किया है, अपने पूर्वजों का वध किया है, ब्राह्मणों का वध किया, जाते को रोक नहीं सकता, वो चले गए।
पहाड़ों पर चढ़ते चढ़ते गल के। अब आती है बात कि कृष्ण जो है, अर्जुन पांडव सारे सारे मर गए, अब उनका जो बच्चा था पोता अभिमन्यु भी मर गया था, वो पैदा हो गया, उसका नाम रखा गया परीक्षित, उसका नाम रखा गया परीक्षित, वो राजा बनाया गया 13 साल बाद। अब राजगद्दी पर बैठा तो कलयुग शुरू हो गया। कलयुग ने कहा कि मेरा समय शुरू हो गया, मैं कहाँ रहूं, प्रजा के स्वर्ण में रहो। उसने खुद स्वर्ण का मुकुट डाला हुआ था, कलयुग उसके मस्तिष्क में जाके बैठ गया। अब वो जंगल में जाते हैं राजा महाराजा घूमने, राजा घूमने के लिए, तो वहां एक मरा हुआ सांप पड़ा होता है, उसको अपने तीर से उठा करके एक ऋषि तपस्या करते करते वहां भी जम गई है मिट्टी से और उसके गले में डाल। अब ये समाचार जो है उस ऋषि के बच्चे के पास पहुंचता है कि आपके पिताजी के गले में किसी ने मरा हुआ सांप डाल दिया है। उसने वहीं से श्राप दे दिया, जिसने भी एक गलती की है मेरे पिताजी के उसमें क्या बोलते हैं सांप डालने की, यही सांप जो उसने डाला है ये 7वें दिन उसको डस। आप सोचिए, विचार करने वाली बात है कि वो आकर के उसे डसता है और वो मर जाता है, वो भागता जाता है मरने से पहले, इसको क्या बोलते हैं सुखदेव को बुला के लाता है, वो भागवत सुनाता रहता है, फिर भी मर। अब प्रश्न उठता है कि भगवान आए, गीता का ज्ञान सुनाए, असुरों का नाश कराए, सुख का समय स्वर्ग आना चाहिए था या दुख का समय नरक? अब हमें समझ में आया कि कृष्ण जाता है युद्ध खत्म होने के बाद गांधारी से मिलने के लिए, तो गांधारी कहते हैं कृष्ण तू चाहता तो युद्ध को रोक सकता था। कहता है हाँ मत रोक, नहीं रोकता तो मेरे दो कुलों को नाश करने वाला था, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती सारे युद्धवंश का नाश स्वीकार है, सारे यादव मर गए, कृष्ण के भी पैर में बहिले ने तीर मारा, कृष्ण भगवान तो कभी मृत्यु को प्राप्त, परमात्मा आकर ऐसे हिंसक युद्ध। इमरजेंसी है अलग बात, परंतु किसी को दुख दे करके कुछ पाना ये अलग। इमरजेंसी स्पष्ट हुआ, अभी तक की बातों से लगता है कि श्री कृष्ण भले एक ऊंच देवता था, जन्म लेते लेते 84 जन्म लेते लेते वो भी धीरे धीरे पतित बनता है, इसलिए कहा जाता है कृष्ण को श्याम सुंदर। कृष्ण सुंदर था, सत्युत्री था, वही द्वापुर में आकर क्या हो गया, पतित हो गया, काला हो गया, जिसको दिखाया कि कृष्ण कहां कूदा, काली देह में कूदा। अब परमात्मा कहते बच्चे मैं आऊं, मैं आकर सबको ज्ञान सुनाऊंगा ना, अब मैं आया हूं तो मैं सबको ज्ञान सुनाता, क्या सुनाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आज सभी अलंकार। किसके लिए, देवी देवताओं के लिए, ले
तो हमें समझ में आया कि परमात्मा आकर अहिंसक युद्ध कराएंगे, ना कि हिंसक लड़ाई कराएंगे। अब आती है बात, कृष्ण परमात्मा नहीं है, कृष्ण देवता है, कृष्ण सर्वोच्च है, इसमें कोई शक देवी देवताओं में 100% 16 आने सच्चे बनने वाला पवित्र देवता ही, ठीक है। तो अब हमने देखना है कि श्री कृष्ण का जन्म कैसे हो। अक्षय तीज आती है ना, अक्षय तीज बोलते हैं, तृतीय अक्षय तृतीयासी। तो इस पर हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ आया, अंगूठा चूसता हुआ। अरे भी कहां से आया, फिर कहां गया, इसके बारे में कुछ पता, इसके बारे में कुछ पता। सिर्फ इतना ही हमारे शास्त्रों में लिखा है कि श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ आया और भगवान के दर्शन किए सबने और वापिस चला। तो श्री कृष्ण कहां गया कुछ नहीं मालूम, सिर्फ इतना। और द्वापर में ये भागवत लिख दी कि कृष्ण द्वापर में वासुदेव देव की किया। सच कौन बता सकता है, परमात्मा। परमात्मा कहते बच्चे श्री कृष्ण और राधा ये पहली आत्माएं हैं जिन्होंने क्या किया, अपने आप को 100% प्योर बनाया। और ये मेरे बच्चे, मैं आकर इनको ज्ञान देता हूं। जो ज्ञान प्राय क्या हो जाता है, लोक ज्ञान मैं आकर देता हूं, परंतु वही ज्ञान क्या होता है, प्राय लोक थोड़ा थोड़ा ज्ञान। कृष्ण का जन्म अब होता है जब परमात्मा आकर ज्ञान देते। परमात्मा कहते बच्चे गीता का ज्ञान कृष्ण ने नहीं दिया, गीता के चौथे अध्याय में लिखा है कि ये ज्ञान सूर्य ने मनु को, पहले पहला श्लोक है चौथे अध्याय का, ये ज्ञान सूर्य ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को, और इक्ष्वाकु ने अपने इक्ष्वाकु के बाद जो नया ज्ञान क्या हो गया, प्राय लोप हो गया। और जो ज्ञान प्राय लोप हो गया था, हे अर्जुन वे ज्ञान मैं तुम्हें सुना। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, ये ज्ञान किसने, सूर्य। सबसे पहले सूर्य ने किसको दिया, मनु ने, पहला मनुष्य। तो हमें समझ में आ रहा है कि कृष्ण का ज्ञान जन्म, कृष्ण जो ज्ञान सुना रहा है वो सूर्य ने दिया। तो परमात्मा कहते बच्चे ज्ञान सूर्य तो मैं हूं, मैं आकर सबको गीता का ज्ञान सुनाता हूं। और जिस ज्ञान को सुनकर कृष्ण देवता बनता, कृष्ण देवता बनता है जिस ज्ञान को सुनकर, वह है गीता जो मैं आकर सुनता। जो दुनिया वालों ने लिखी है वह है झूठी गीता, ये जो मैं आके सुनाता हूं ये है सच्ची गीता। तो मैं हूं पिता, यहां दिखाया है परम पिता
शिव परमात्मा आकर जो गीता का ज्ञान सुनाते हैं, उस गीता से जन्म होता है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की आत्मा 100% गीता का ज्ञान अपने में लिमिट करती है, मत रहती है। तो यहां दिखाया है गीता द्वारा श्री कृष्ण का जन्म। गीता माता है और कृष्ण कृष्ण क्या होगा, देवता। तो कृष्ण जो है सतयुग के आदि में आता है, जो ज्ञान को लेकर 100% शुद्ध बनता है और उस को प्राप्त। गीता का ज्ञान देने वाला परमपिता परमात्मा शिव, जो आकर कलयुग के अंत में सारी दुनिया को पावन बनाने की ट्रेनिंग देते हैं, वो दे रहे हैं। हमें उस परमात्मा पालना में खुश रहना है। तुम समझ में आ गया श्री कृष्ण के जन्म के बारे में? और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें 9650692270 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्या असली नहीं है जो हम लोग पढ़ते हैं? इसको कल आप नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन लेंगे कि भगवत गीता कब लिखी गई और रामायण कब लिखी। पहले क्वेश्चन पूछे तो मैं यहाँ ऐड कर देता, तो टाइम को मैं आपको गया है ना, ड्यूटी का भी ध्यान रखना जरूरी है। सर उसमें आया है नहीं सर, इसलिए वहाँ पर बहुत पानी भरा था हमारा गली में ना, बहुत पानी सीवर का पानी भरा था, तो सारा दिन थोड़ा पानी भरा रहता। सारे दिन नहीं, सुबह का टाइम आपका टाइमिंग हमारा कोई 9 बजे टाइमिंग नहीं है। नहीं मैं उसको बताऊंगा समझा दूंगा, हमारा कोई टाइमिंग 9 बजे का क्या है, आप 12 बजे आ जाओ, आप 2 बजे आ जाओ, आप शाम को 5 बजे आ जाओ, मतलब देखो मतलब कहने का हमें हमारा कोई टाइम बाउंड नहीं है। हमारा तो ये है कि भी आपकी सुविधा हमारा काम हो जाए, आपका क्लास के टाइम पर आप क्लास जाओ। मैंने ये बात क्लियर किया था, मैं उसको बताया था क्लास के टाइम पर क्लास जाओ, जब जाना है जाओ, उसके बाद टाइम जो बचता है इधर आ जाओ, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा काम कर सकते हो, कोई बात नहीं, अगले दिन फालतू हो जाएगा या थोड़ा पैसे ही तो कम मिलेगा और कोई फांसी थोड़ा आ जाएगी। भाई देखो हम अपने जीवन को खराब नहीं करें, अपने जीवन की खुशी को खराब नहीं करें। समझा दूँ आज मैं उसको आएगा फिर उसको बता दूंगा, जरूर नहीं कि आपको काम है, आपको घर में रोक लिया आपने, 9 बजे काम है आपको, तो कोई बात 10 बजे आ जाओ, 11 बजे आ जाओ, कौन सा उसमें यहाँ पे वो तो है ही नहीं कि कार्ड पंच करना है, कार्ड पंच नहीं हुआ जल्दी कट जाएगा।